हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डांस नॉलेज में। तो आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। उन्होंने 2015 में हुए वर्ल्ड ऑफ डांस चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके बहुत सारे रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं और आज भी अपने डांस से सबको दीवाना कर रखा है। आज हम बात करेंगे शांतनु महेश्वरी की, तो चलिए शुरू करते हैं। शांतनु महेश्वरी का जन्म 7 मार्च 1991 में कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ। शांतनु की पढ़ाई द पार्क इंग्लिश स्कूल और सेंट जोसेफ कॉलेज कोलकाता से पूरी हुई और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शांतनु मुंबई आ गए और यहां पर उन्होंने एचआर कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करी और फिर मुंबई में रहते हुए स्ट्रीट सोल डांस क्रू का हिस्सा बन गए। और शांतनु वैसे तो सभी डांस स्टाइल करते हैं, पर वे पॉपिंग डांस स्टाइल में बहुत मशहूर हैं। शांतनु की डांसिंग करियर की शुरुआत एक डांस बेस्ड शो दिल दोस्ती डांस से हुई है। यहां से उन्होंने अपने एक्टिंग और डांसिंग करियर की शुरुआत करी और इसके बाद शांतनु महेश्वरी ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने देसी हॉपर्स रखा और फिर उन्होंने 2015 में होने वाली वर्ल्ड ऑफ डांस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और चैंपियनशिप को जीता भी। और इस चैंपियनशिप के बाद उन्होंने कैसे ग्रुप बनाया, उन्हें क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, इस पर आधारित एक पूरा शो बनाया गया है जिसमें इनके ग्रुप को कास्ट किया गया और आगे शांतनु के ग्रुप को अमेरिका गॉट टैलेंट के फाइनल में गेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए भी बुलाया गया 2017 में। और आगे झलक दिखला जा सीजन 9 शो में भी शांतनु को बुलाया गया और यहां पर उन्हें सेकंड पोजीशन मिली। फिर शांतनु ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में हिस्सा लिया और इस शो में भी कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से वे इस शो को जीत गए और फिर आगे इनके ग्रुप को वर्ल्ड ऑफ डांस के फाइनल 2017 में गेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप के साथ एशियन बैटल ग्राउंड डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया जो कि एशिया की सबसे बड़ी डांस चैंपियनशिप है, उसमें भी शांतनु के ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिली। और बात करें शांतनु के एक्टिंग करियर की, तो उन्होंने 2017 में आई फिल्म समथिंग लाइक लव, 2020 में आई स्पेशल डे और 2021 में आने वाली गंगूबाई कठियाबाड़ी में काम किया है। और वहीं म्यूजिक वीडियो की बात करें तो 2015 में आए सोन सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, 2018 में आए आजा माही वे, 2019 में आए हाय ओए, 2020 में गुड़ खा के सॉन्ग में काम किया है और अपनी बेहतरीन काम के लिए कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं जैसे कि इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, इंडियन टैली अवार्ड, वर्ल्ड ऑफ डांस चैंपियनशिप अवार्ड, एशियाई व्यूअर टेलीविजन अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड। तो देखा आपने, शांतनु ने इतनी छोटी उम्र में ही बॉलीवुड के अंदर कितना नाम कमाया है और ये सब मुमकिन हुआ है डांस के जरिए। और शांतनु की मेहनत के जरिए उन्होंने हर जगह डांस से काम किया और उसे निखार दे गए। आज भी शांतनु अपने डांस से काफी लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग।